अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश और आज हम करने वाले हैं कैमरा कंपैरिजन आईफोन 8 प्लस गैलेक्सी S10 5G और वीवो V21 का। तो दोस्तों मैं बताता चलूँ, आईफोन 8 प्लस हमें दे रहा है बैक पे डुअल 12 मेगापिक्सल का कैमरा, जहाँ पे हमें सपोर्ट मिल जाती है 4K की वीडियो और विद OS की सपोर्ट के साथ। तो वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ, वहीं पर गैलेक्सी S10 5G हमें दे रहा है क्वाड कैमरा सेटअप, जहाँ पे मेन कैमरा हमें मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का, और उसके अलावा 12 मेगापिक्सल का हमें मिल जाता है ऑप्टिकल जूम के साथ, और 16 मेगापिक्सल का हमें मिल जाता है अल्ट्रा वाइड कैमरा, और 0.3 मेगापिक्सल का हमें मिल जाता है डेप्थ सेंसर के लिए। उसके अलावा ये सपोर्ट करता है 4K की वीडियो 30fps 60fps की सपोर्ट के साथ। उसके अलावा हमें इसमें देखने को मिल जाता है सुपर स्टेडी वीडियो सेटअप। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ वीवो V21 की, वहीं पे V21 हमें दे रहा है बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप, जहाँ पे हमें मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का स्टैंडर्ड कैमरा, और सेकंड में हमें मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए, जो कि सपोर्ट करता है 4K की वीडियो 30fps एंड 60fps पे। उसके अलावा हमें मिल जाता है इनमें नाइट कैमरा मोड, जो कि कैमरे को बहुत ही अच्छा करता है, और इस वक्त जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो इनके अपने माइक से कर रहा हूँ, विदाउट एनी माइक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो देखते हैं इनकी साउंड क्वालिटी कैसी, नॉइस कैंसिलेशन इनकी कैसी है, तो वीडियो को आगे शुरू करते हैं। सो व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं हम इसके पोर्ट्रेट मोड की, तो यार पोर्ट्रेट मोड हमें तीनों में काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, जहाँ पे इनके अगर मैं ब्लर की बात करूँ तो बैकग्राउंड में ब्लर तीनों में ही काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आईफोन 8 प्लस की मैं बात करता हूँ तो उसमें हमें हाईलाइट्स थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, वहीं पर सैमसंग गैलेक्सी S10 5G में हमें थोड़े से शार्पनेस मिल जाते हैं, कलर ब्राइटनेस थोड़ी सी तेज़ मिल जाती है। और अगर मैं बात करता हूँ वीवो V21 की, तो उसमें आपको ब्लर बिल्कुल नॉर्मल देखने को मिलेगा, लेकिन काफ़ी अच्छा ब्लर किया है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका चेहरा थोड़ा सा स्लिम कर देता है, लेकिन डे लाइट अगर कलर की बात करता हूँ तो यार डे लाइट में आपको पोर्ट्रेट तीनों में काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं नाइट पोर्ट्रेट की, तो नाइट पोर्ट्रेट में आईफोन 8 प्लस का पोर्ट्रेट तो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, लेकिन आईफोन 8 प्लस में हमें अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं मिलता, वहीं पर हमें गैलेक्सी S10 5G और वीवो V21 में अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है, जिसकी वजह से कलर ब्राइटनेस जो है या लाइटिंग हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो गैलेक्सी S10 5G में रात के वक्त इतना ख़ास नहीं किया हुआ पोर्ट्रेट, बहुत ज़्यादा यानी कि ब्लर कर रहा है। उसके अलावा आपकी अगर गौर से देखें तो मेरे कान की तरफ या सर के ऊपर भी सैमसंग ने ब्लर कर दिया। वहीं पर अगर मैं वीवो V21 की बात करता हूँ, तो वीवो V21 नाइट में आपको पोर्ट्रेट मोड नहीं अवेलेबल कर रहा है। यार अगर मैं नाइट मोड की बात करता हूँ, तो गैलेक्सी S10 5G में हमें मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, वहीं पे वीवो में हमें देखने को मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। तो अगर मैं पिक्चर क्वालिटी की बात करूँ नाइट मोड में, तो सैमसंग और वीवो हमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी दे रहा है, लेकिन आईफोन 8 प्लस में हमें वाइड एंगल कैमरा नहीं देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा वाइडनेस का लाइटिंग का थोड़ा सा इफेक्ट आता है, अदरवाइज़ तीनों का कैमरा नाइट में काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा अगर मैं वीडियो की बात करता हूँ, वीडियो क्वालिटी डेफिनेटली तीनों की काफ़ी अच्छी है, बट अगर मैं बात करता हूँ गैलेक्सी S10 5G की, तो यार ये डार्क एरिया को ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर कर रहा है। उसके अलावा अगर आईफोन 8 प्लस की हम बात करते हैं, तो आईफोन 8 प्लस हमें क्लैरिटी काफ़ी अच्छी दे रहा है, लेकिन ये डार्क एरिया को इतने अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसमें हमें वाइड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिलता। उसके अलावा अगर मैं वीवो V21 की बात करता हूँ, तो यार इसकी डेमेंसिटी और इसकी जो स्टेबल मोड है यार, बहुत मुझे अच्छा लगा, जिसमें ये काफ़ी अच्छे तरीके से वाइड एंगल को कवर कर रहा है और जितने भी डार्क एरियाज़ हैं उनको कवर कर रहा है। अदरवाइज़ अगर तीनों नाइट की अगर मैं बात करता हूँ, तो सैमसंग S10 5G में हमें मिल जाता है सुपर स्टेडी वीडियो, वहीं पे हमें वीवो V21 में मिल जाता है सुपर अल्ट्रा स्टेबल वीडियो का ऑप्शन, लेकिन आईफोन 8 प्लस में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अदरवाइज़ अगर मैं बात करता हूँ इसके फ्रंट पोर्ट्रेट की, तो यार फ्रंट आईफोन 8 प्लस में हमें फ्रंट पोर्ट्रेट नहीं देखने को मिलता, वहीं पर गैलेक्सी S10 5G में हमें पोर्ट्रेट देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा पोर्ट्रेट कर भी रहा है। अदरवाइज़ अगर मैं वीवो V21 की बात करूँ, तो यार वो पोर्ट्रेट फ्रंट में हमें इतना ख़ास नहीं दे रहा, बट अदरवाइज़ जिनको सेल्फीज़ वगैरह लेने का शौक है या चाहते हैं कि उनकी सेल्फ़ी थोड़ी वाइट हो, तो वो ये वीवो V21 उनको मैं रेकमेंड करता हूँ। अदरवाइज़ गैलेक्सी S10 5G हमें फ्रंट पोर्ट्रेट सबसे अच्छा दे रहा है इन तीनों डिवाइसेस में से। सो व्यूअर्स, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 4K की सपोर्ट के साथ, जहाँ पे वीवो में हमें मिल जाता है OIS की सपोर्ट, अल्ट्रा स्टेबल वीडियो, उसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी S10 5G में हमें मिल जाता है अल्ट्रा स्टेबल मोड, उसके अलावा 4K की वीडियो 30fps पे तीनों मोबाइल्स में रिकॉर्ड हो रही हैं। अदरवाइज़ अगर इसकी मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूँ, तो यार तीनों की स्टेबिलिटी
सेम है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है तीनों की स्टेबिलिटी में। लेकिन जो कलर को ज़्यादा कवर कर रहा है वो गलेक्सी एस टेन 5G जो बहुत अच्छा कवर कर रहा है। वहीं पे आईफोन 8 प्लस में हमें थोड़े से हाईलाइट ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, अदरवाइज़ तीनों काफ़ी अच्छे कलर कवर कर रहे हैं। लेकिन वीवो में थोड़े से डिम हमें कलर देखने को मिल जाते हैं। अदरवाइज़ अगर मैं डायमेंशन की बात करता हूँ तो यार वीवो V21 काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करता है। अगर मैं आईफोन 8 प्लस और गलेक्सी एस टेन 5G की बात करूँ तो इन दोनों का जो एरिया कवर करने का जो कैमरा है बिल्कुल सेम है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अदरवाइज़ तीनों ही काफ़ी अच्छा व्यू हमें दे रहे हैं। और ये सनसेट का व्यू था बट थोड़ा सा लेट हो गए। अदरवाइज़ अगर मैं कहूँ तो अगर आप ये जैसे कि बिल्डिंग देख सकते हैं तो ज़्यादा एरिया कवर जो कर रहा है वो वीवो V21 ने। और वहीं पर गलेक्सी एस टेन 5G जो आईफोन 8 प्लस भी हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। सो अगर इसके मैं ऑटो फोकस की बात करता हूँ तो ऑटो फोकस सैमसंग का काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा वीवो ऑटो फोकस करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आईफोन 8 प्लस की तो इसका भी ऑटो फोकस काफ़ी अच्छा है। सो ये तीनों मोबाइल रखने की मेरी वजह ये थी कि तीनों के प्राइस बिल्कुल सिमिलर हैं, ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है। अगर आप आईफोन 8 प्लस लेना चाहते हैं तो ये आपको ऑफिशियल PTA अप्रूव मिल जाएगा 52 से लेकर 56 के प्राइस रेंज में। उसके अलावा अगर आप लेने जाते हैं गलेक्सी एस टेन 5G तो ये आपको ऑफिशियल अप्रूव नहीं मिलेगा, सॉफ्टवेयर अप्रूव या पैच अप्रूव मिलेगा 50,000 का 512 GB। उसके अलावा अगर आप 256 GB या 128 GB लेते हैं तो ये 45,000 से 46,000 के रेंज में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ वीवो V21 की तो ये आपको बॉक्स पैक 53,000 टू 56,000 की रेंज में मिल जाएगा। यही वजह थी कि मैंने इस वीडियो में इन तीनों मोबाइलों का कैमरा कंपेरिज़न किया और आपको दिखाया कि किसका कैमरा ज़्यादा अच्छा। और अगर ओल्ड गोल मैं बात करूँ तो ज़्यादा अच्छा मुझे सैमसंग का कैमरा लगा है, जो कि आपको वाइड एंगल लो लाइट में काफ़ी अच्छा कैमरा दे रहा है। तो ये थी वो वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।